नमस्कार दोस्तों, आज रविवार है और सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करके जब घर पहुंचा तो मेरी सोसाइटी के इलेक्ट्रीशियन ने मुझे फ़ोन किया कि वो खोड़ा कॉलोनी में, जहां मैं हूं, ये यूपी में पड़ता है, गाज़ियाबाद से सटा हुआ हिस्सा है, उसका फ़ोन आया इलेक्ट्रीशियन का कि वो खोड़ा कॉलोनी में रहता है, उसके पास राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड से हर महीने जो उसको 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन मिलता है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, मुफ्त राशन योजना के तहत उसको मिलता है, वो उसको 20 किलो अनाज मिलता है 4 यूनिट के हिसाब से। लेकिन गाँव से उसने अपना राशन कार्ड यहाँ ट्रांसफ़र कराया है और उसको 15 किलो राशन मिला, मतलब राशन देने वाले ने 5 किलो राशन उसका काट लिया और कहा इतना लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो मुझे लगा कि चलो 5 किलो राशन काट लिया, किसी को भी लगेगा ये इतनी बड़ी क्या बात है, राशन तो 5 किलो कम दे दिया तो क्या हुआ। लेकिन मुझे लगा नहीं, एक गरीब आदमी जो इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करता है और प्रधानमंत्री की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना में कोई राशन वाला एक आदमी के राशन कार्ड पे अगर 5 किलो काट रहा है तो पता नहीं कितने लोगों के राशन कार्ड पे काट रहा होगा, और ऐसे राशन की दुकान हजारों हैं, तो मुझे लगा कि वहाँ चलना चाहिए। तो वो सामने इलेक्ट्रीशियन है, दिनेश उनका नाम है, पीछे उनकी पत्नी बैठी है और बाइक पे है, और उस उनकी पत्नी के पास वो बोरी है जिसमें उन्होंने उन्हें 15 किलो चावल मिला है, 20 किलो की जगह 5 किलो काट लिया गया। अब उनके साथ हम उस राशन की दुकान पर जा रहे हैं, जानना ये चाहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके राशन ऐसे काट लिए जा रहे हैं। 20 किलो में 5 किलो काट लेना मतलब 25% राशन कम दिया जा रहा है। अब समझिए, यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को देने के दावे हैं। सरकार का कहना है कि जो 6 महीने का एक्सटेंशन हुआ है अभी मुफ्त राशन योजना का, वो सितंबर तक हुआ है, और कुल अब तक कोरोना काल में 3.5 लाख करोड़ के बजट की बात है। तो अगर ऐसे राशन के दुकानदार जो गांव, देहात, शहर, कस्बे कहीं भी हैं, अगर ऐसे राशन काटते हैं तो सोचिए वो कैलकुलेशन क्या होता है, सामने वो जा रहे हैं। और मैं इसलिए आज संडे को भी आ गया ये इस दुकान पर, यूपी में भी चुनाव के दौरान मैं कई जगह गया था, एक वीडियो मैंने किया भी था, सिराथू जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य का इलाका है, हालांकि चुनाव हार गए, वहाँ भी एक दुकान में लंबी कतार लगी थी, बहुत सारी महिलाएँ थी, वीडियो आपने देखा होगा, स्क्रीन पर थंबनेल लगा दूंगा। वहाँ महिलाएँ लगातार शिकायत कर रही थी कि ऐसे ही 20 किलो में 5 किलो, 25 किलो में 5 किलो अनाज राशन देने वाला काट लेता है, और 10 या 20 महिलाओं से बात की, सब हर महिला की यही शिकायत थी। तो इसका मतलब बड़े पैमाने पर अनाज घोटाला है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब हम आ गए उसी राशन दुकान पर, देखते हैं, ये सामने दिनेश हैं और इनकी पत्नी है, वो राशन उतार रही हैं, जरा आप देखते हैं इनसे, इनके साथ चलते हैं उस दुकान में जहाँ इन्हें राशन कम दिया गया, चलते हैं अभी। हाँ, राशन लेके आओ अपना, राशन लेके आओ अपना, ले लो जो आपको राशन मिला लेके आओ, राशन लेके आओ। राशन कार्ड कहाँ है आपका? कार्ड के दे रहे हैं आपको? कितना काटा आपका? अभी नहीं, हमारा तो बहुत दिनों से दो यूनिट। कितना में कितना काटा ये तो बताओ। कितने किलो कम दे रहे हैं? ये है, देख लो आप। चलो पहले इधर आओ, दुकान पे आओ। आपको कितना किलो कम दिया? हमें 5 किलो कम दिए। और 20 किलो चाहिए था वो आपको राशन के हिसाब से। अब ये देखिए, इनके साथ हम आ गए ये राशन की दुकान पर, और ये राशन की दुकान जो है किनकी है सर, ये दुकान किनकी है? विनीत कुमार। और ये कौन सा गली, कौन सी हुई? सुभाष पार्क। विनीत कुमार जी, हम पत्रकार हैं, ये हमारी सोसाइटी में इलेक्ट्रीशियन है। विनीत कुमार कौन है, आप हैं? विनीत कुमार यहाँ है नहीं, तो ये इनको, इनकी पत्नी यहाँ राशन लेने आई थी। कहाँ है आप, आगे आइए। राशन लेने आई थी इनको, इनको कितना यूनिट राशन मिलना चाहिए, कितना किलो राशन मिलना चाहिए जो गरीब कल्याण योजना है मुफ्त वाला, जरा आप बताइए पढ़ के। ये सर हमारे कब, किससे लिया आपने? अभी ले गए, अभी 7 बजे, आज 7 बजे सुबह। हाँ, तो मैं नहीं था ना सर। कौन था यहाँ पे? ये नहीं थे, वो थे। आइए भाई सामने आइए, आप पीछे क्यों? कोई और था नहीं, ये थे ना, गए हुए हैं। हाँ, गए हुए हैं तो ठीक है, लेकिन ये थे ना उस समय। ये थे कल, ये भैया थे, कह रहे थे अगर 15 किलो लेना होगा तो आना, नहीं तो मत आना। मैं तो आज आया हूं, मैं तो था ही नहीं कल, नहीं थे यहाँ। आप मेरे को, आप यहीं रुकिए, बाहर कहाँ जा, फोन नहीं, फोन पे बाद में बात करिए, आप यहाँ रहिए पहले। नहीं नहीं कोई बात नहीं, फोन बाद में उठाइए। अब ये आप बताइए पढ़ के कि इनको कितना राशन मिलना चाहिए, जिनने दिया था वो यहाँ है नहीं। आप ये पढ़ के बताइए ना, 20 किलो मिलना चाहिए। 20 किलो मिलना चाहिए।
आपको राशन कितना मिला? 15 किलो। 15 किलो चावल मिला। आप खुद कह रहे 20 किलो मिलना चाहिए, तो 20 किलो जब मिलना चाहिए, चार इसमें नाम लिखे हुए हैं परिवार के सदस्यों के, चार लोगों के मिलती थी गांव में, चार लोगों के मिलते थे, द्रौपदी, पारसनाथ, दिनेश कुमार, सुमित मौर्या। और ये राशन कहाँ से, कार्ड आपका ट्रांसफर कहाँ से कराया हो? निसामुद्दीनपुर पिपरा अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर से ट्रांसफर कराया। यहाँ पहली बार आपने लिया इस दुकान? हाँ, पर पहली बार लिया इन्होंने आज सुबह, और उसके बाद जैसे बताया वैसे ही दुकान पे आया। तो आप बताओ 20 किलो इनको मिलना चाहिए, इनको 15 किलो मिला है और वो राशन लेकर मेरे सामने बोरी में आई है, 5 किलो क्यों काटा? क्या कहा था दुकान वाले ने आपको? 15 किलो मिलेगा, अगर लेना होगा तो ले लेना, कल मैं आई थी। हाँ। अगर लेना होगा 15 किलो तो लाइन में लगना, कल नहीं तो मत लगना। तो आज आप ले गए 15 किलो? हाँ, आज मैं ले गई। तो क्यों भाई 15 किलो क्यों मिला? वो जो आएंगे वो बताएंगे ना इस बारे में। अरे भाई, तो ऐसे थोड़ी है कि दुकान पे आपको नहीं पता हो। आप लोग और कोई है जिनको राशन कम दिया जा रहा है? हमारा तो आंगनबाड़ी का है, बाहर का कार्ड है, जैसे गांव का कार्ड है, यहाँ ले रहे हैं उसको 5 किलो काट के दिया जा रहा है। गांव का कार्ड अगर है तो 5 किलो कार्ड कम दिया जाता है। यहाँ बहुत लेडीज बोली थी। हाँ, यहाँ बहुत लेडीज बोली थी कि 5 किलो काट ले रहे हैं। तो अब बताओ भाई 5 किलो क्यों काट? तो गांव का है, मेरा भी गांव का राशन कार्ड है, मेरे को तो पूरा ही मिलता है। अच्छा, आपको पूरा मिलता है, लेकिन ये कह रहे हैं इनका काटा गया है तो लेके ना जाइए ना। मेरा ये पूरा मिलता है, हमें पूरा मिलता है। आपका यहाँ का इनका ट्रांसफर हुआ, इनका ट्रांसफर हुआ है, ये इनका कार्ड है अम्बेडकर नगर का, तो वहाँ से इनका है। कौन बताएंगे, क्या नाम है उनका? और तभी तो दिया ना अनाज, यहाँ पे दिया कैसे अनाज? हमें तो आंगनवाड़ी के लिए अनाज दिया कैसे, ये तो बताओ। अनाज 15 किलो तो दिया। हाँ, तो एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? नहीं खड़ा हूँ साहब। तो नहीं, मैं खाली जानना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, कर लेना लड़की से बात, कोई वो बात आगे बात कर। तो ये जिनकी दुकान है वो कहाँ है? वो अभी गाजियाबाद गए हुए हैं कहीं। हाँ, मुझे आंगनबाड़ी वालों को दे देना। अच्छा, ये लोग आंगनबाड़ी वाले? तो आंगनबाड़ी वाले को तो पैसे भी नहीं काटोगे, चूँकि आंगनबाड़ी के लोग हैं। हम लोग नहीं बैठे थे, हमें तो आंगनबाड़ी ने बोला। लेकिन ये बताओ, बहुत लेडीज थी कह रही 5 किलो काट गया, गाँव का कार्ड है, 5 किलो काट के जी दिया जा रहा है। हम तो कभी आए नहीं थे, आज पहली बार आए थे। हाँ जी, बताओ क्या देख रहे हो? बताओ, वहाँ भी है राशन कार्ड, वहाँ भी राशन बट रहा है, वहाँ भी यही कह रहे हैं 5 किलो काट के ही दिया जाएगा। क्या? वहाँ भी है एक दुकान, आगे भी है। हाँ, वहाँ भी 5 किलो काट के दिया। कल वहाँ भी मैं गई, आपको मिल रहा है ये, इनकी शिकायत है। मैं वहाँ भी गई थी तो कह रहे 5 किलो काट के ही मिलेगा। हाँ जी, बताओ कुछ बता रहे हो आप? नहीं, तो नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है तो इनका कागज इनको नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ ना, ये बता रहे ना ट्रांसफर किया है। हाँ, तो लिस्ट में नाम आ जाएगा। अरे भाई, लेकिन 15 किलो आज आप ही की दुकान से मिला है ना इनको, राशन लेके आए हैं जो ले गए कुछ देर पहले यहाँ। स्टेट में कहीं भी ले सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, आप सामान। हाँ, तो राशन तो ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं स्टेट में। बताओ, ट्रांसफर नहीं हुआ। अरे भाई, तो 15 किलो दिया ना आपने, अंगूठा लगाया ना इनका, अंगूठा लगा, कागज निकालो, कहाँ अंगूठा, जिसमें लगा अंगूठा लगा आपसे, वो कागज कहाँ है, फाइल किस चीज में अंगूठा लगाया? पंचिंग मशीन। हाँ, तो इसमें जो पंचिंग मशीन में देख सकते हैं कि इनके नाम से कितना राशन आपने चढ़ाया है इसमें, वो तो देख सकते हैं। मैंने तो चढ़ाई नहीं है ना। जिसने भी चढ़ाया है इनके नाम से अगर देखोगे तो पंचिंग मशीन में पता चल जाएगा ना इनको राशन लिया कितना है, पता चलेगा कि नहीं। अब देखो, अब जो वो मुझे बैठा गया आंगनबाड़ी का, दे देना आप मेरे को। अब ये बताओ, मैं तो बैठा ही बेंच से मुझे दुकान में आपका, तो अभी इसी दुकान वाला। तो इस राशि, एक मिनट, इस मशीन से ये तो पता चल जाएगा इस नाम से देखने पे कि इनको कितना राशन आपने दिया है सुबह। इस मशीन में बस इतना पता चल जाएगा राशन मिल गया है। हाँ, और दिखाया क्वांटिटी नहीं दिखाया, कितना मिला बस। अच्छा। हाँ, उसमें आप भरते नहीं हो कि इनको 4 यूनिट है तो आपने 20 किलो दिया, ये भरते नहीं हो? ये तो भरते होगे ना कि 20 किलो दिया तो पता चल जाएगा। जब अंगूठा लग जाता है तो फिर बाद में वो खाली वो दिखाता है कि बच्चे। मैं समझ गया, लेकिन आप इसमें तो भर देते होगे ना कि 20 किलो अनाज ले गए ये, तभी तो 5 किलो का घोटाला होगा। तो दिखाओ इसमें 20 किलो इनके नाम से है कि कितना किलो है। देखो, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। दिखाओ, पर दिखाया नहीं आता। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देख लो ना, जब मैं चलानी आती जरा। हम देखना चाहते हैं कि आप, ये फिर से बता दूं, इनका नाम दिनेश है, इनकी पत्नी है, इन्हीं का ये राशन कार्ड है, गांव से इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर करा है, क्या करा है? ऑनलाइन आप कहीं से भी, ऑनलाइन कहीं से ले सकते हैं पूरे स्टेट में। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके तहत इन्हें प्रति यूनिट 5 किलो चावल या गेहूं का विकल्प होता है। इन्होंने चावल लिया, इनका कहना है 20 किलो की जगह 15 किलो दिया गया। इन्होंने कल ही बोला क्या है, आएगा नहीं, ले लिया ना अगली महीने पाएगा। अच्छा, ले लिया तो खाली ये आ गया कि ले लिया, कम इसमें नहीं आएगा? तो अभी इस मशीन में ये व्यवस्था नहीं है कि पता चले कि इन्होंने कितना राशन लिया। अब ये 15 किलो दे रहे हैं, 15 किलो मजबूरी। आपको क्या कहा कितना लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। 15 किलो लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ।
अब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने दिया है वो यहाँ है, नहीं रखिए दिनेश। तो ये दुकान वाले का नाम फिर से बताइए। विनीत जी। विनीत जी, विनीत जैन शर्मा, विनीत लिखते हैं, विनीत जी हैं। विनीत जी की दुकान है, गली नंबर फिर से एक बार बताइए। बताइए, सुभाष पार्क, अब खोड़ा कॉलोनी। अब ये राशन इनका है, सामने ये बोरी है, पीछे हटिए, ये बोरी है जिसमें ये अनाज यहाँ से, चावल यहाँ से ये ले गई हैं, और 20 किलो की जगह 15 किलो चावल इन्हें मिला है, मतलब 25% चावल इसमें कम है। अब दोनों लोग आगे आइए। और पीछे कुछ आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, हालांकि उनका कहना है, चूंकि आंगनवाड़ी से जुड़ी हैं तो एक सिस्टम भी होता है, उनका कहना है कि उनकी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनकी शिकायत है। अब यहाँ और कोई अभी इस इलाके की महिलाएँ दिख रही हैं, आपकी भी शिकायत है कोई? आपकी नहीं? आप भी आंगनवाड़ी से हो? नहीं, हाँ, तो गांव से, मतलब गांव से काटे हैं। आपको मिल रहा है? मिलता है पूरा। तो आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, अलीगढ़ के रहने वाले, पर हम यहाँ किराए पे रहते हैं। आपको पूरा मिलता है? पूरा मिलता है। चलिए, इनको पूरा मिलता है, इनको अधूरा मिला। अब इनकी शिकायत इनकी जगह है, बाकी कुछ कह रहे हैं उनको मिलता भी है, लेकिन ऐसा है तो सही कि 20 किलो में 5 किलो कम है। बोलिए, जिसको जैसा मिलता है बोलो। हाँ, जिसको जैसा मिलता है बोलो, बिल्कुल। आपको मिलता है तो आपने कहा नहीं कि हमें 20 किलो चाहिए, 5 किलो कम क्यों दे रहे हो? साहब, हमें पता नहीं था कितना मिलता है कितना नहीं, हम तो आए पहली बार आए हैं। नहीं, भैया जी ने बोला यहाँ जो कल पंचिंग करवा रहे थे, कल उन्होंने बोला कि 15 ही किलो ही मिलेगा। हमने कल इन्हें फोन किया कि बोल रहे हैं 15 किलो मिलेगा, ले लूं कि नहीं लूं, तो बोले रहने दो। आज सुबह मैं बोली कि जा रही हूँ ले आऊँगी, तो मैं लेने आ गई, मैं कि 15 किलो मिल रहा है उतने ले लेते हैं। चलिए, गरीब लोगों के लिए जो भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी को 20 किलो 25 किलो जो भी जितनी यूनिट है उसके हिसाब से प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मिलता है, तो उसके लिए वो मायने रखता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता है। कई बार कम भी मिल रहा है तो ले लो, और इसलिए इन्होंने लिया। और मैंने पहले भी वीडियो में कई बार यूपी चुनाव के दौरान मैंने अलग अलग इलाकों में दिखाया था, जहाँ 25 किलो में 5 किलो कम, 20 किलो में 5 किलो कम, 30 किलो में 5 किलो कम राशन वाले देते हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के इलाके में भी कई राशन दुकानों को मैंने दिखाया था। अब सवाल है कि अगर ये कम मिलता है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और राशन दुकान वाले की जिम्मेदारी है कि जिसके जितनी यूनिट है, जिसका जितना हक है, वो उतना मिलना चाहिए और उसमें कटौती नहीं होना चाहिए। और आप भी अगर राशन लेते हैं, यूपी में सरकार का दावा है कि 15 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं, देश में 80 करोड़, अगर आप यूपी में रहते हैं, देश के किसी हिस्से में रहते हैं, लाभार्थी हैं, आपको जो जितनी यूनिट आपको है उससे कम राशन वाला दे तो आप विरोध जताएं, प्रतिरोध करें, शिकायत करें, उसके लिए टोल फ्री नंबर है, लेकिन कम लेकर नहीं जाएं, क्योंकि ये आपका हक है। जिस दिन आप सब लोग सचेत हो जाएंगे और कहेंगे हम इससे कम नहीं लेंगे, और राशन दुकान पर जो लोग राशन देने वाले हैं, दुकानदार हैं, दबाव बनाएंगे, तो शायद उनके लिए मुश्किल होगी, या फिर टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करें। और सरकार की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करें कि जिसका जितना राशन है उतना राशन उसको मिले। फिलहाल खोड़ा कॉलोनी के इस इलाके से मैं चलता हूँ, मकसद सिर्फ ये था। किसी को लग सकता एक बड़ी छोटी सी कहानी है, उठ के मैं क्यों चलाया, लेकिन ये कहानी छोटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लाखों लोग हो सकते हैं देश में जिन्हें ऐसे कहीं किसी दुकान से राशन कम मिलता हो। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, नमस्कार।